हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम की काकोल की पहाड़ियों में फौजी ट्रेनिंग करवाई गई है। अब पता नहीं ये वर्ल्ड कप में जंग फतह करके लौटेंगे या नहीं, लेकिन हम आपको इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के दौरान नजर आने वाले कुछ ऐसे ही मजाया सीन्स दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले नसीम शाह को देखें, जब सारी टीम नारे मारने में लगी हुई थी तो ये बच्चों से खेलने लगे हैं। इसी तरह आजम खान ने बाबर आजम के साथ पता नहीं क्या कर दिया है। अगर आपको पता है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जैसे कि यहाँ पर रिजवान को ऐसे जंप करता हुआ देखकर आजम खान के पसीने छूट रहे थे। दोस्तों यहाँ पर आगा सलमान शॉट मारने के चक्कर में बेचारे सैम अय्यूब के तोते उड़ा देते हैं। अगली वीडियो में बाबर आजम की ट्रेनिंग देखें, क्योंकि काकोल में गर्मी की वजह से इनकी बस बस हो जाएगी। इसी तरह हमारा कप्तान हैरानी से देख रहा था कि ये दोनों आखिरकार कौन सी तड़लियां कर रहे हैं। दोस्तों आजम खान के साथ सही जुल्म हुआ है, क्योंकि फौजियों ने काकुल में दौड़े लगा लगा कर बेचारे की मत मार दी है। अब जैसे कि मोहम्मद आमिर किसका सेक्शन खत्म करने लगे हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आजम खान पश्तो में गाना गाने लग जाते हैं, ये पहाड़ियों की ट्रेनिंग करने का असर है। दोस्तों अब्बास अफरीदी की तरफ से आपको सारे का सारा ईद मुबारक। वैसे काकोल में पाकिस्तानियों को जरा पीछे मेन्यू बोर्ड चेक करें। इसी तरह पहाड़ पर चढ़ने के चक्कर में आजम खान के लिए चाचू का जश्न चेक करें, क्योंकि इतनी सख्ती बेचारे आजम के बस की बात नहीं थी। अब यहाँ पर अब्बास अफरीदी को ये टेंशन पड़ी है कि मैं वीडियो में आ रहा हूँ या नहीं, हद तक तंग आकर ये अपना मोबाइल ही वापस मांग लेगा। दोस्तों आपके ख्याल में ये डायलॉग मोहम्मद हारिस ने सही बोला है या मैथ्यू फोर्ड ने सही मजा कराया है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड, फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग, फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग। अगली वीडियो में काकुल वाले पता नहीं आजम से कौन सी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बेचारे आजम खान के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है।
इस तरह पत्थरों वाली ट्रेनिंग का क्या मतलब है? लगता है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीतने नहीं बल्कि जंग जीतने जा रही हो। अब जैसे कि ये हंसते हुए चेहरों का ये मतलब नहीं कि इनको कोई दुख नहीं, इन बिचारों की तो बैंड बजी पड़ी है। अगली वीडियो में आजम खान का जलवा देखें। मुखालिफ टीम में 10 खिलाड़ी और भी आ जाएं, तो ये बंदा फिर भी इनको जीतने नहीं देगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों इस पोस्ट के लिए शाहरुख खान बेस्ट हैं या नसीम शाह ने कमाल कर दिया है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह मोहम्मद रिजवान डांस भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जरा सोचें कि पिछली उम्र में नाचते हुए चाचू इफ्तखार की हालत कैसी होगी। अब जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मोहम्मद आमिर और बाबर आजम को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर किस किस को खुशी हो रही है, इनके फैंस कमेंट में हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर ये सारी टीम तो बस एक्शन कर रही है, असली जोर तो आजम खान लगा रहे थे। अगली वीडियो में आजम खान की खिदमत हो रही है क्योंकि फौजियों ने इन पर सही जुल्म ढाए हुए हैं। तो दोस्तों आज की बस इतना ही, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।